आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि एक डेसिमल नंबर को किस तरह बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस नंबर का जब हम 2 के साथ एलसीएम लेंगे तो 2 के साथ इस नंबर को डिवाइड करने पर हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 1 हासिल होगा। इस नंबर को जब 2 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 0 हासिल होगा। इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। इस नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 1 हासिल होगा। इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर हमें 8 हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। 4 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 2 हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। 2 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 1 हासिल होगा जबकि रिमाइंडर हमें 0 हासिल होगा। जब हम इस फैक्टराइजेशन को बॉटम राइट टू अप लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का हमें ये आंसर हासिल होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह एक डेसिमल नंबर को बेस 5 वाले नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 1 हासिल होगा। जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 2 हासिल होगा। इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा। जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा। जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 0 हासिल होगा। इस फैक्टराइजेशन को बॉटम राइट टू अप लिखने पर हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह एक डेसिमल नंबर को बेस 8 वाले नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए अगेन हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस नंबर का जब हम 8 के साथ एलसीएम लेंगे तो 8 के साथ इस नंबर को डिवाइड करने पर हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। जब हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा। इस नंबर को 8 से डिवाइड करने पर हमें ये नंबर हासिल होगा और रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा। जब हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 हासिल होगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 होगा। इस फैक्टराइजेशन को बॉटम राइट टू अप लिखने पर हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।